स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नए देश में। मैं हूं अभी मार्शल आइलैंड की कैपिटल माजूरो में, और यहां पे हम कल रात को आ गए थे माइक्रोनेशिया से। 3 दिन अभी यहीं पे हैं, आज का, कल का, परसों की रात की हमारी यहां से फ्लाइट है यूएसए की। तो कल रात को भाई हम पहुंचे थे इस चाइनीज़ होटल में, क्योंकि यहां पे 2 बड़े होटल हैं। उन दोनों का रिप्लाई आया था कि उनके पास रूम अवेलेबल नहीं है। ये वाला रूम मिला था $50 का, भी आपको आके दिखा दूंगा ऑफिस में, पिछली वीडियो में भी दिखाया ही था। तो बिल्कुल बदबू आ रही है रूम में से, बस वाईफाई सही है। वाईफाई के हमसे $10 एक्स्ट्रा ले लिए कि $10 और दो तब हम पासवर्ड बताएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो वाईफाई सही चल रहा है, पर रूम में बड़ी बदबू आ रही है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक रूम है, मतलब 50 क्या, मैं इसके $20 भी ज़्यादा हैं इस रूम के। तो हमने जो मेजर रिजॉर्ट है यहाँ पे उस पर फ़ोन करा, इंडिया से फ़ोन करवाया, क्योंकि हमारे तो यहाँ सिग्नल आ नहीं रहे, एयरटेल वगैरह कुछ भी। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास रूम अवेलेबल है कल और परसों के लिए, $100 का है वहाँ पे रूम। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम शिफ्ट कर लेंगे इससे अच्छा तो, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब बदबू सी आ रही है और कुछ करने का मन भी नहीं करेगा, ऐसा कमरा ही है। तो अभी चल रहा हूँ मैं खाना खाने, नहाया भी नहीं मैं, क्योंकि यहाँ पे पानी भी ऐसा ही आ रहा है भाई, बिल्कुल रुक रुक के, मतलब नहा ही नहीं सकते, उससे गीले ही नहीं हो पाओगे। तो परमवीर तो अभी सो ही रहा है, मेरे को थोड़ी ज़्यादा भूख लग गई, तो वो मेन रोड है यहाँ पे पूरा तालाब भर गया। अब मैं जाऊँ कैसे यार इसमें से, ये तो अलग ही पसड़ हो गई यार। देखता हूँ कैसे जाना, इस तरफ से है क्या रास्ता कोई, शायद हो इस तरफ से रास्ता। तो मार्शल आइलैंड्स भी ना एग्जैक्टली टूवालू जैसा ही है, बिल्कुल एक छोटी सी पट्टी है बस, और वो पूरा देश है। अबे यार ये तो पंगा ही है, कहाँ से निकलूं, ये तो किसी का घर आ गया भाई। कोई रास्ता मिला नहीं तो मैं तो चप्पल और ये शॉर्ट्स पहन के ही आ गया, अब कुछ नहीं कर सकते, इसमें ऐसे चल के जाना पड़ेगा। अरे भाई ये तो वैसे ही मतलब बारिश में डूब गया है देश, इसको तो ग्लोबल वार्मिंग की जरूरत ही नहीं है। तो भाई ये जो नारू की रिवाती, मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया है ना, ये है भाई असली में मतलब जो आइसोलेटेड आप देश कह सकते हो, असली में आइसोलेटेड है भाई ये सारे देश। मतलब नारू में तो यार उनकी भी गलती नहीं थी होटल वालों की, वाईफाई नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे ब्रॉडबैंड के प्लान्स ही मैंने आपको दिखाए थे कितने कितने महंगे प्लान्स थे, तो उनके पास है ही नहीं वो देने के लिए। तो मार्शल आइलैंड में इस मतलब बेकार से होटल में रुके हैं, और इनके पास भी वाईफाई था, तुरंत वाईफाई दे दी, और मस्त चल रहा है भाई फुल स्पीड, मतलब जो मेरे घर पे लगा हुआ वैसा ही चल रहा है बिल्कुल। और देख लो आइसोलेटेड है, क्योंकि माइक्रोनेशिया में भी हमको वाईफाई मिला मस्त। तो माइक्रोनेशिया और मार्शल आइलैंड क्या है कि ये दोनों मतलब अमेरिका के साथ रहते हैं, अमेरिका इनसे ट्रेडिंग वगैरह करता है। इन लोगों का जो पासपोर्ट है, इस पासपोर्ट पे सोचो आप, इस देश के पासपोर्ट पे अमेरिका ने ऐसी ट्रीटी करी है इन लोगों के साथ कि तुम अमेरिका कितनी बार भी आओ कितनी बार भी जाओ, अमेरिका में ज़िंदगी भर के लिए रह लो बिना वीज़ा के, कुछ भी पूछताछ नहीं होगी। और इन देशों ने अपना पासपोर्ट बेचना भी शुरू कर दिया था, कि मतलब पैसे लेके पासपोर्ट दे रहे थे, पर अमेरिका ने कहा नहीं भाई, ये वाला जो रूल है कि आप मतलब आगे कितने भी दिन रुको, चाहे यहाँ पे अमेरिका आके बस जाओ, वो उन्हीं लोगों के लिए होगा जो मतलब माइक्रोनेशिया या मार्शल आइलैंड में बॉर्न होंगे। मतलब मैं जैसे यहाँ का पासपोर्ट पैसे दे के खरीद लूँ तो मैं अमेरिका वीज़ा फ्री नहीं जा सकता, मेरे को वीज़ा लेना पड़ेगा, और मेरे को वहाँ पे रह भी नहीं सकता मैं, पर ये लोग रह सकते हैं जो यहाँ पे बॉर्न है। तो इन्होंने फिर वो पासपोर्ट इनका फिर कोई ख़रीद नहीं रहा था, तो इन्होंने स्कीम बंद कर दी फाइनली। तो अभी चलते हैं रॉबर्ट रीमर्स होटल, ये वन ऑफ द मेजर होटल है यहाँ पे, काफ़ी फेमस है। रीमर्स एक फैमिली है शायद, जो मतलब यहाँ पे काफ़ी अमीर है, उन्होंने ही खोल रखा है, और वहाँ पे शायद रेस्टोरेंट है एक, तो वहाँ पे जाके खाना खा लेते हैं पहले। ये आ गया भाई होटल रॉबर्ट एंड रीमर्स, बाहर से तो ये भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मतलब इनकी हालत खस्ता ही हो। इस रेस्टोरेंट पे हमें जो नीचे नाम लिखा टाइड टेबल, वैसे है तो सही, सब जगह समुंदर दिखता है इस देश में भी, देखते हैं कैसा क्या रेस्टोरेंट है भाई। रेस्टोरेंट तो काफ़ी सही, एसी वगैरह चल रहा है, और बैठने बैठने की भी जगह सही है। आज भी बादल ही है, मेरे को लग रहा है 3 दिन तक बारिश ही रहेगी जब तक हमें। और अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट मेन्यू तो था, ब्रेकफास्ट ही मंगाया मैंने, $10 का राइस विद एग
और $1.50 की आइस टी। भाई ये आइस टी, इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं है, चीनी खुद डालनी पड़ेगी। इस डिश का नाम है लोको मोको। ये अंडा है, ये मशरूम है, करी और राइस। ठीक लग रहा है भाई, खाना बहुत बढ़िया था, मेरे को तो मज़ा आ गया। क्योंकि नारू में ना ऐसे रेस्टोरेंट थे ही नहीं भाई, वहाँ तो 6 दिन कैसे काटते हैं ना, हमको पता है भाई, वहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट थे ही नहीं। चाइनीज लोग खोल के बैठे हैं ढाबे से, तो टेस्ट ही नहीं था। पर माइक्रोनेशिया और मार्शल आइलैंड में असर देखो यार, USA का कमाल ही हो गया। और एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैं खाना खा रहा, एक बंदा आया चलते चलते बोलता कि भैया मजूर वाली फ्लाइट में आए थे ना। मैंने कहा भाई ये हिंदी कौन बोल रहा है भाई। फिर वो बंदा था इंडिया से, वो था जयपुर से बंदा, वो कहता मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ, मैं तो यहाँ पे घूमने नहीं आया, मेरा तो एक काम से आया हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, इनकी कोई बिल्डिंग बनी होगी अभी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह पता नहीं क्या कौन सी बिल्डिंग, उसको चेक करने आया हूँ। मैंने कहा भाई इंडिया से बुलाना पड़ा इनको इंजीनियर यहाँ पे चेक करने के लिए। मैंने कहा भैया आप आए कैसे हो यहाँ पे, मतलब यूनाइटेड वाली फ्लाइट में बैठे कैसे आप, गुआम जाना पड़ेगा उसके लिए। तो कहता नहीं मैं तो नारू एयरलाइन से आया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, आपने हमको उस वाली फ्लाइट में देखा होगा 15 तारीख की, जो नारू से चली होगी और वो क्या कहते हैं वहाँ पहुँची होगी मजूरों से माइक्रोनेशिया, नारू एयरपोर्ट पे देखा होगा इसने हमको, कहता ऑस्ट्रेलिया से आया था मैं। तो मैंने नंबर ले लिया, तो कहता कल संडे है, कल मेरी छुट्टी भी है यहाँ पे, तो कल घूमते हैं कहीं पे साथ में। मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा मैं जयपुर में रहता हूँ भाई, US भी नहीं। मजा आ गया भाई, मिलवाऊंगा मैं जब मिलेंगे वो हमको। तो भाई ये था हमारा कमरा, आप हालत देख सकते हो, शीशा भी टूटा पड़ा है, बदबू बहुत गंदी आ रही है, देखना भाई दीवारें वगैरह। अब इसके $50 देने का मन सा नहीं था यार, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च कर देंगे कोई नहीं, चलते हैं। चलो भाई अब चलते हैं मार्शल आइलैंड रिजॉर्ट, मतलब नाम तो ऐसा ही है, होना भी अच्छा ही चाहिए, 3-स्टार होटल है। और हमने कल फ़ोन करके पूछी थी, $102 एक दिन का बताया था, तो हमको 2 दिन और रुकना है। तो निकल लिए हम यहाँ से, मेन रोड तक जाएंगे, 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और शेयर टैक्सी चलती हैं जो $1-$1.50 लेती हैं एक बार बैठने के, उसमें बैठ के मार्शल आइलैंड रिजॉर्ट चलते हैं, चेक इन करते हैं, फिर ढूंढते हैं कोई रेंटल कार मिल जाए एक दिन के लिए, एक दिन शायद हम कोई बोट टूर कर लें, बस ऐसे ही काटेंगे आपके दिन। $1 एक जने के लगते हैं, 3 लगेंगे 2 जनों के। सही भाई, टैक्सी में आगे बैठ के इस टैक्सी वाले ने लिए $1.50 पर बंदा, फिक्स था ही प्राइस है। अगर आप मतलब ऐसी टैक्सी में बैठ जाते हो, मतलब शेयरिंग होती है, कहीं पे भी रोक देंगे, किसी को भी बिठा लेंगे, जरूरी नहीं आपको डायरेक्ट छोड़े, उसके लिए आपको प्राइवेट ही करनी पड़ेगी। ये हम आ गए मार्शल आइलैंड रिजॉर्ट, वो है मार्शल आइलैंड का झंडा। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं भाई चेक इन देते हैं अभी या नहीं देते, क्या पता रूम ही फुल हो गए। पर बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, 100 से ज़्यादा कमरे लग रहे हैं मेरे को इसमें। भाई हम आ गए थे इस होटल में 12 बजे आ गए थे, पर इन्होंने बोला रूम तो अवेलेबल है पर 3 बजे चेक इन है। तो हम बैठे थे बाहर काम कर रहे थे, $100 का ये पड़ा, पर वाईफाई यहाँ पे फ्री है। चाइनीज वाले में अगर 3 दिन रुकते तो $150 लगते और प्लस $10 वाईफाई के 160, और हम एक दिन रुके तो 60 ही लगे, और यहाँ पे 100-100 देने पड़ेंगे, 102 कुछ का है, 204। तो यहाँ पे देखो भाई बाहर भी सही है, टहल वहल सकते हैं, इधर उधर कहीं जा सकते हो। चाइनीज वाले में तो भाई देखा था हमने कैसे तालाब बन गया था, रूम भी बिल्कुल बेकार सा था, कहीं बीमारी ना हो जाते उसके ज़्यादा पैसे देने पड़ जाते। मैं आपको दिखाता हूँ मार्शल आइलैंड्स का फ्लैग, वो देखो भाई ये है मार्शल आइलैंड्स का फ्लैग, नारू की तरह एक सितारा सा है, और ऑरेंज कलर और वाइट कलर और ब्लू कलर। तो यहाँ देखो यहाँ एरिया भी सही है, मेन रोड है ये, डबल लेन हाईवे सा है, एक ही रोड जाती है, एक इस साइड 10 किलोमीटर जाती है, इस साइड ये 25 किलोमीटर जाती है, पूरा आइलैंड यही है। कल शायद हम गाड़ी रेंट करके घूमेंगे पूरा। ये देख लो मार्शल आइलैंड में $100 का कमरा कैसा दिखता है, ये टॉयलेट है, ओ फेंक दिया इसने तो मेरे को पीछे, कहाँ से होती है लाइट ऑन। ओ कमरा तो सही है, बिल्कुल बेसिक है पर ठीक है, उससे तो काफी सही है भाई। किधर सोएगा बता दे, रुक जा। ओ ये तो यार बिल्कुल वैसा लग रहा है। कैसा, नारू जैसा।
ऐसा ही व्यू था ना, कट गया ना। तो भाई आज है हमारा ऑफिशियली दूसरा पूरा दिन मार्शल आइलैंड में, और आज सुबह के बज रहे हैं 10:30। हम निकल चुके हैं रॉबर्ट ड्रीमर्स की तरफ मार्शल आइलैंड रिजॉर्ट से, क्योंकि उसका जो रेस्टोरेंट है ना वो इस वाले से थोड़ा सस्ता है। जो डिश यहाँ पे 16 की मिल रही थी वहाँ पे कल मैं 10:30 की खा के आया था, तो वहाँ तक वैसे ही जाना था। यहाँ पे गाड़ी भी अवेलेबल नहीं थी, और कल जो इंडियन भाई मिला था मैं आपको बता रहा था, उन्होंने वहाँ पे पूछा तो वहाँ पे गाड़ी अवेलेबल बता रहे रेंट के लिए। तो वो भी कह रहा था कि मेरे को एक दिन तो घूमना ही है यहाँ पे, और आज संडे है, मेरी छुट्टी भी है, तो हम तीनों मिलके घूम लेंगे, या तो देखते हैं कैसा क्या करना है। वरना रॉबर्ट ड्रीमर्स वाले एक बोट टूर भी कराते हैं $25 में शायद, तो वो भी पूछ लेंगे उनसे क्या सिस्टम है, आज कर लेंगे या फिर कल कर लेंगे, जो भी है। और वहाँ पे खाना भी हो जाएगा अपना। तो हमने टैक्सी ले ली थी, इसका $1.5 किराया है, कहीं से कहीं तक जाओ शायद 10-1 किलोमीटर तक भी जाओगे शायद $1.5 ही है। तो भाई यहाँ पे कितना रेट है परमवीर? वही देख रहा हूँ, $5 का शायद गैलन है यहाँ पे, गैलन के हिसाब से चलता है यहाँ पे सिस्टम जो US का है सारा। तो भाई यहाँ पे कर ली हमने गाड़ी रेंट, और ये पड़ी हमको $92 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। इतने देशों के बाद यहाँ जाके इंश्योरेंस मिला है, क्योंकि उन देशों में ठीक ही नहीं हो पाती होगी यार, गाड़ी ठुक गई तो मतलब लोकल मैकेनिक से ठीक करानी पड़ती होगी उन लोगों को। पर यहाँ पे US का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि हाँ यहाँ पे गाड़ी ठीक हो जाती है अगर मतलब ठुक वुक गई तो। इंश्योरेंस भी दे रहे हैं $17 का अलग से इंश्योरेंस, मतलब 92 में इंक्लूडेड ही है वो। तो यहाँ पे हम इससे लाइसेंस, यहीं पे इंडियन लाइसेंस ही दे दिया हमने, और यहाँ पे है रोहित भाई अपने ये रुके हुए यहाँ पे रॉबर्ट ड्रीमर्स में। तो रॉबर्ट ड्रीमर्स वाले शायद ना अपने गेस्ट को ही गाड़ी देते हैं, इन्हीं के नाम पे लिए, पर लाइसेंस मेरा दिया है, और मेरा लाइसेंस रखा मेरे वाले होटल में, तो इन्होंने कहा चलो गाड़ी ले जाओ और लाइसेंस अपने रूम से उठा लेना, बस हमको कॉपी भेज दो। तो मैंने ईमेल कर दी थी और चल गई भाई। अरे भाई इनकी तो मतलब सही गाड़ी है तो, है ना परमवीर? ये बंदा चेक कराने लाया हमको कहाँ कहाँ से ठुकी हुई क्या है, और कल वापस देनी है हमको 24 घंटे बाद। भाई गाड़ी दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल नई चकाचक, एक भी स्क्रैच नहीं है भाई, टोयोटा की कोरोला। पर ये है यार, हर जगह SUV मिल जाए ना तो वो बेटर रहती है, इसमें मतलब कहीं पे भी ये टच होने का खतरा सा रहता है, और मेरे को आदत भी नहीं है सेडान चलाने की। 19,000 माइल्स चली है ये, किलोमीटर नहीं है, माइल्स है, मतलब 30,000 किलोमीटर के लगभग चली है। फीचर्स मेरे को लग रहा है सारे ही हैं इसमें भाई, देखना बिल्कुल लग्जरी टाइप गाड़ी है भाई, सनरूफ तो नहीं है खैर। चलो एक दिन घूमते हैं इसमें मार्शल आइलैंड, दिखाते हैं आपको। बोले कि तुझे कोई पता है गाड़ी रेंटल वाला, टैक्सी वाला बोला कि आपके पास मार्शल आइलैंड्स का लाइसेंस है, तो हम उस बात की हंसी लगा रहे थे कि भाई एक ही तो रोड है, या तो उधर जाओ इधर जाओ, इसके लिए भी तुम लाइसेंस मांगोगे, ऑटोमेटिक गाड़ी वैसी है, स्टेयरिंग मोड़ना नहीं पड़ता, भी अलाउ कर दो गाड़ी चलाना, कितनी आसान है यार ये गाड़ी चलाना, पूरा देश ही ऐसा है, खाली सड़कें, ना कोई भीड़, सीधा चलना है, ना कहीं मोड़ना, बस। इनका एयरपोर्ट आ गया क्या? भाई ये आ गया इनका एयरपोर्ट, आज तो शायद कोई फ्लाइट आ नहीं रही, आज तो शायद कोई फ्लाइट आ नहीं रही, तो इन्होंने बंद सा ही कर रखा है। ये रहा झंडा भी है का मार्शल आइलैंड वालों का, और इतना ही चौड़ा है बस यहाँ पे रोड की, एक एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट की रोड है, अंदर रनवे है, थोड़ा सा बस ये एयरपोर्ट है। भाई ये आ गए हम एयरपोर्ट के पास, यहाँ एयरपोर्ट से सिटी है कुछ 22 किलोमीटर के करीब, ये मेरे पीछे एयरपोर्ट है, और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर ली हमने कहीं पे साइड से भी रोक के, क्योंकि सिंगल ही रोड है, कहीं पे पार्किंग वार्किंग कुछ सिस्टम नहीं है। और एक बात और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, यहाँ पे ना 1960-70 के करीब अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इनके एक आइलैंड के पास ही बम फोड़ दिया न्यूक्लियर वाला, और बताओ ये कोई मतलब है यार, वहाँ पे लोग रहते थे और अमेरिका ने बम फोड़ दिया, फिर उन लोगों को वहाँ से हटाया, फिर मार्शल आइलैंड को कॉम्पनसेशन दिया, पैसे दिए अमेरिका वालों ने, पर ये तो बहुत गलत चीज़ लगी। उस आइलैंड का नाम बिकिनी आइलैंड है, और अमेरिका वालों ने वहाँ बम फोड़ दिया यार, क्या मतलब है कुछ मतलब दूसरों की धरती की कुछ परवाह ही नहीं यार अमेरिका वालों को, ये तो मैंने देख लिया, किसी को धरती पर बात कर देते हैं। और अब मैं आपको यहाँ से पूरा मार्शल आइलैंड दिखा सकता हूँ, ये देखो भाई, ये छोटे 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 आइलैंड हैं, देखो कितने सारे हैं ना, इनमें कोई भी रोड से कनेक्टेड नहीं है, आप इन पे बोट ही लेके जा सकते हो बस। और ये वाला पूरा अपना आइलैंड है, मतलब जिसपे हम सबसे मेन वाला, 35 किलोमीटर की लंबाई है शायद इसकी, और हम मिडवे में खड़े हैं बिल्कुल। भाई यहाँ पे भी ना डोमिनिकन रिपब्लिक की तरह
आगे नंबर प्लेट नहीं लगाते, सिर्फ पीछे पीछे लगाते हैं। पीछे नंबर प्लेट काफ़ी इनकी सुंदर सी है मार्शल आइलैंड वालों की। ये देखो पेड़ वेड़ लगा रखे हैं उन्होंने हमारे यहाँ, ऐसा कर ले तो डिज़ाइनर नंबर प्लेट क्या ना है तो गवर्नमेंट सी की। तो भाई यहाँ पे हम चलते जा रहे हैं और बड़ा ही लंबा देश है यार, 30 किलोमीटर में नहीं मेरे हिसाब से अराउंड 55 किलोमीटर का देश होगा भाई पूरा। और आखिरी में एक लोरा करके बीच है, उस पे जा रहे हैं हम आखिरी में, बिल्कुल एंड में। और यार यहाँ पे नारियल के इतने पेड़ हैं, ऐसा लग रहा है सिर पे ना बच जाए कोई नारियल। पर यहाँ पे हम एक दुकान पे रुके, हम सोच रहे नारियल बेच लो यार, अगर इतने नारियल मतलब इंडिया में होते तो यहाँ पे 10-15 दुकानें होती, पर यहाँ पे भाई एक दुकान मिली है मुश्किल से। है कुछ इसमें पानी, ये नारियल देख के लग तो नहीं रहा इनमें पानी होगा है। ये कवर उतार दिया बस, ये वाले नारियल तो बस स्टैंड पे देते हैं वो प्लेट में रख के। एकदम से आएगी शायद पिचकारी। ना ना नहीं, आगे ले। अरे आई थी ना, हमने मारा था ओ, शूस। अरे शूस। Two days ago. Yes. Yeah. Welcome to Marshall Islands. Thank you so much. You love India? You said you love India. I love India. You guys like it here? Yeah. Like Marshall Island? Yes, of course. Why is my hole so small? तो भाई यहाँ पे हम आ गए थे लोरा बीच, ये यहाँ पे सबसे फेमस बीच है। खैर बीच देखो कहाँ चढ़ा हुआ है वो। तो भाई ये बीच तो खैर इनका ख़त्म सा ही हो गया एक तरह से, देखो पूरा मतलब समुंदर के अंदर येलो कलर का जो दिख रहा है ना इनका बीच था, समुंदर इतना राइज हो चुका कि बीच इनका अब समुंदर के अंदर जा चुका है, अब इतना ये बचा है, ये कोई बीच तो इसको नहीं कहेंगे हम। तो यहाँ पे देखो गाड़ियों के इंजन विंजन पड़े हुए हैं। तो यार मार्शल आइलैंड के हैं तो हजारों आइलैंड, पर इनका जो एरिया है वो है सिर्फ 180 स्क्वायर किलोमीटर का बस, और रहते सिर्फ 60,000 लोग हैं, जिनमें से 27,000 लोग मजूरों में रहते हैं, मतलब आधी पॉपुलेशन मजूरों में रहती है। तो चलते हैं ऊपर भाई, ये नीचे आया था फोटो खींचने पर अमीर की। वो देखो भाई दूर इनके आइलैंड है, मतलब गोल गोलाई में ही है ये एक तरह से पूरा। हाँ पूरा गोल घूम के हम ऐसे आए हैं। देखो भाई यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ठेले लगा के रखते हैं लोग, और इस पे नारियल वारियल बेचते रहते हैं। ये आखिरी गांव भाई इनका, आखिरी गांव है लोरा करके, मजूरों से ये लगभग ये मान लो 55 किलोमीटर दूर होगा ये वाला गाँव। और ये देखो खाली पड़ा है बिल्कुल, 10-15 घर दिखे हैं हमको तो टोटल कुल मिला के, और सारे मेरे को लग रहा है वो ही आ रखे हैं लोग, संडे है ना आज तो इसलिए बारबेक्यू वगैरह कर रहे थे बीच पे। भाई अभी सड़क पे जा रहे थे हम, और यहाँ पे रोहित भाई का कंस्ट्रक्शन का काम है, तो वो कुछ सैंड वगैरह चेक कर रहे थे, तो हमने चेक किया भाई ये ट्रक देखो यार कब से खड़ा होगा, ये ट्रक है ना कई दशकों से खड़ा होगा मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई, इसमें इतने बड़े बड़े पौधे उग गए। और यहाँ पे जो बीच वीच खराब होते हैं उनको ऐसे अबेंडन ही कर देते हैं, ठीक भी कराते नहीं। देखो ये खड़ा एक भाई वहाँ खड़ा, तो मतलब ऐसे ही है इनका कि अबेंडन ही कर दो सीधा, कौन रिपेयर कराए। तो भाई यहाँ पे पहुँच गए हम, एक एंड पे था वो लोरा बीच और दूसरे एंड पे है ये रीटा, लगभग दोनों में 55 किलोमीटर का अंतर है, और आने में आपको आराम से वहाँ से 1 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा लग सकता है। और यहाँ पे रोड्स पे स्पीड लिमिट है 15 माइल्स, कहीं 25 माइल्स, कहीं अनलिमिटेड स्पीड, तो वो गाड़ी भी बता रही है भाई, मैं तो हैरान यार इतना कनेक्टेड कैसे हो सकती है गाड़ी कि आपको बता रही है कि इस रोड पे कितनी स्पीड है। तो अब चलते हैं यार, बैठते हैं रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं, सुबह बस ब्रेकफास्ट किया था और यही था बस मार्शल आइलैंड। कल शायद हम एक आइलैंड टूर पे जाएंगे अगर मौसम सही रहा तो भाई
आखिरी दिन हमारा मार्शल आइलैंड में और पैसिफिक में। गाड़ी हमने कर दी वापस, पेट्रोल भरवाया $15 का, 92 की गाड़ी थी, 107 की पड़ी, पर हम कुछ भी यूटिलाइज नहीं कर पाए यार, गाड़ी कुछ भी नहीं है यार इन देशों में, बिल्कुल मतलब नीलबटे सन्नाटा है, कोई जगह नहीं जा सकते भाई आप यहाँ पे। वो हम तीन जने थे, हमने कहा चलो गाड़ी रेंट कर लेते कुछ तो देख के आए, कुछ भी नहीं है मतलब इस देश में भाई। अब मैं क्या वीडियो बनाता, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कई पैसिफिक कंट्री तो ऐसी थी यार कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या वीडियो बनाया, हर जगह सेम समुंदर है, वही सब है, छोटे छोटे देश हैं, महंगी महंगी चीज़ है। तो आज भाई अपनी USA की फ़्लाइट है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, US से मस्त मस्त वीडियोस बनाऊंगा भाई मैं, क्योंकि मेरे को पता है यार US में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, यहाँ क्या है यार कुछ भी नहीं है, ये बस देश बने हुए हैं एक तरह से। तो मेरा गला भी कल ख़राब हो गया, पता नहीं यार कैसा सा वेदर है यहाँ का, पूरे दिन ह्यूमिड रहता है, फिर एकदम से रूम में जाके बिल्कुल ड्राई, एकदम से इतने ह्यूमिड से इतने ड्राई में आ जाते हैं, तो गले का भी मतलब ख़राब हो रखा है मेरे, कम से कम 5-6 दिन पहले से ख़राब हो रखा है। तो चलते हैं, इस वीडियो को रखते हैं शायद यहीं तक, और अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।